ये आर्टिकल मैंने ऑलरेडी अभी मीडिया पर अवेलेबल है, ठीक है, वहां से पढ़ लेना, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ सपोज दिस इज अ बैंक, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। यहां पर है डिपॉजिटर, ठीक है। बैंक काम कैसे करती है? That lot of people deposit a money in the bank, then bank invest and give loan to people like Malia, है ना? तो Malia वाला केस तो हमने लेना है, ठीक है? यहाँ पर है loan, clear? Now suppose depositor is getting 5% interest, ठीक है? उसने money deposit की, उसको interest कितना मिल रहा है? 5%। अब बैंक लोन कितने परसेंट पर देगी? मोर देन 5%, मतलब वो तो अलग अलग बैंक है, ठीक है। लेट अस सपोज 3% वो अपना रखती है और लोन दे देती है 8%, 3% में उसका जो भी लाइट बिल ये वो सारा, ठीक है, जो भी इसके एम्प्लॉय का खर्चा। नो सपोज अब बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया, ठीक है, नो इट गेव वी कैन से 3% इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड केस में तो यहाँ पर लोन कितने मिलेगी? 6%, 3% अपना रख लिया और कैन बी 5%, बट ऑफकोर्स इट इज मोर देन 3%, ठीक है। और कई बार तो गवर्नमेंट बोलती है, जैसे पब्लिक सेक्टर लैंडिंग वगैरह होती है ना, PSL नॉर्म्स, वहाँ पर फार्मर को उतने रेट पर ही दे देते हैं, वो अलग इशू है, मैं जनरल बात कर। लोन विल बी एट 6%, तो यहाँ पर अगर 10 बंदे लोन ले रहे थे, यहाँ पर 20 लेंगे लोन, ठीक है, वहाँ पर भी कम होंगे, डिपॉजिटर विल डिक्रीज, है ना, डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज इतना होता नहीं। द रीज़न इज दैट मोस्ट ऑफ दीज डिपॉजिटर आर मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास को आप अगर अपने घर वालों को हम बोलते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करो, है ना, या आपको इतना मिलेगा इंटरेस्ट, ये वो सुनते नहीं है, ऐसा ही होता है, क्यों? मिडिल क्लास हो गया था, बैंक में आप हमारे सेविंग अकाउंट है ही, बैंक में पढ़े हैं, पढ़े रहने दो, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट माइंड तो नहीं होता मिडिल क्लास का, किसी का होता है वो तो ज़्यादा ही निकल जाता है, ठीक है। जैसे केतन मेहता का पता है, केतन मेहता ने क्या किया था, ही इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन अ शेयर मार्केट। मान लो एक शेयर का रेट 10 रुपये है, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रातों रात उसका प्राइस हो गया 1000, उसके बाद सारे बेच दिए, पहले 10-10 का खरीदे, ठीक है, तो वहाँ पर प्राइस हो गया 1000, बाद में सारे बेच दिए, तो वो तो जिन्होंने, क्योंकि 1000 हो गया, लोगों लगा यार इतनी जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं, पता नहीं कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर एक्चुअली फ्रॉड हो गया था। अब इन्होंने सिस्टम सेट कर दिया ना, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो तो वो शेयर मार्केट बंद कर दिया, उसके बाद शुरू हुआ, ठीक है, ओके। नाउ सपोज करो यहाँ पर बैंक नेगेटिव देती है इंटरेस्ट, नेगेटिव -1, अगर यहाँ पर डिपॉजिटर 100 रुपीज, ठीक है, डिपॉजिट करता है, ही विल गेट अ 105 आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, एट हेयर 100 to 103, एट हेयर 100 to 99, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, दैट यू हैव टू गिव मनी टू अ बैंक फॉर डिपॉजिटिंग योर मनी, कि आपके पैसे डिपॉजिट किए हैं तो उसके भी आपको पैसे देने पड़े। तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन वो प्रॉब्लम, वो हम देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पर लोन कितना होगा फिर? यहाँ तो माल वीकली चलेगी, है ना भाई, यहाँ पर 1% या कितना भी ले लो, यहाँ पर तो फिर लोन आएगा काफ़ी। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म में तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, डिपॉजिटर विल ऑल्सो डिक्रीज। तो वाई द बैंक्स डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स? द रीजन इज टू ग्रो देयर इकॉनमी। कैसे? नो लोन इंक्रीज हो गया, है ना, शॉर्ट टर्म में लोन इंक्रीज हो गया, नो विद इंक्रीज इन लोन क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, और भी कैसे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी,
है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज से क्या होगा, डिमांड विल इंक्रीज। क्लियर, इतना इतना समझ आ रहा है, इकोनॉमी हो गया सभी का, आप तो हो गया, बता देना अगर कोई टर्म ना समझ आए कि सर समझ गया, ठीक है। नो, विद इंक्रीज इन डिमांड, लेट अस सपोज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टर्म सुनिए, ओके, नो लेट अस सपोज ए प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू थी 10 रुपीस, नो विद इंक्रीज इन डिमांड इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 रुपीस, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इट्स अ राइज इन रेट, नॉट एग्जैक्ट रेट बट इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, है ना। अब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, नो विद इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इफ आई से एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, इतना समझ में आया, एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होता है, नहीं समझ में आया तो बता देता, यहाँ पे कहाँ से रिपीट करो, यहाँ से, नो विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास लोन आ गया, लोन से क्या आएगा, पैसा, है ना। अगर कोई मार्केट में चार प्रोडक्ट है, पहले उसको खरीदने वाले ही चार थे तो वो तो सेम प्राइस रहेगा, लेकिन अब वहाँ पे लोगों के पास पैसा आ गया, उसको खरीदने वाले 10 हैं, तो वहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट तो सेम ही है अभी, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा इंक्रीज। जैसे आपका सपोज करो यूपीएससी का एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपको चाहे वो 150 का पेन दे दे, आप ले लोगे एग्जाम, है ना भाई, जल्दी कर रहे, ऐसा ना हो वहाँ पर अंदर ही ना जाने दे, ठीक है। तो वहाँ पर डिमांड ड्यू टू कंडीशन, तो यहाँ पर क्या है, विद द इंक्रीज इन मनी लिक्विडिटी, विद द इंक्रीज इन लिक्विडिटी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज से क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज और इन्फ्लेशन हो जाएगी, है ना। नाउ विद द इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, ये नहीं समझ आ, नाउ सपोज करो एक डॉलर की वैल्यू है 50 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। नाउ एक डॉलर की वैल्यू 50 रुपीज है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, ऐसे ही समझ लो डॉलर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा, डॉलर डिमांड विल इंक्रीज, है ना। अब विद द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ डॉलर तो क्या होगा, डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब डॉलर का प्राइस कितना है, नहीं मतलब यहाँ पर मैं एग्जांपल, ठीक है, 70 रुपीज, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सपोर्टर की, नाउ प्रोडक्ट ए किसी ने एक्सपोर्ट किया, लेट अस सपोज चाइना रहने, चाइना हमें करते हैं, कौन सी कंट्री, बांग्लादेश, ठीक है, और वी कैन से यूएस ही ले लेते हैं, सिंपल आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। नाउ व्हेन ही एक्सपोर्ट अ पर्टिकुलर आइटम टू यूएस तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली डॉलर में होता है, यहाँ से क्या मिलेगा, डॉलर, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो, नो व्हेन द डॉलर्स प्राइस वाज 50 तो इसको अगर $2 मिले कितनी अर्निंग है, 100, अब डॉलर का प्राइस कितना है, 70, तो अब उसको पता है वही प्रोडक्ट की वैल्यू उसको कितनी मिलेगी, 140, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, तो वहां से वो एक्सपोर्ट करेगा, इससे सिंपल एग्जांपल है, समझ आया, ठीक है। सो ये पॉजिटिव है, so this is the reason that mostly few of the economies like Japan, even the European Central Bank also adopted in 2014, then Sweden, so ये country short term अपनी inflation increase की, ठीक है, इतना clear। इसका negative क्या होगा, long term देखो earning, banking financial institute की earning increase हो रही है ना, long term में क्या होगा, डिपॉजिट तो नहीं करेगा, वो कहेंगे यार हर बार पैसे दे देते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने के पैसे कौन लेता है, ठीक है। सो इसमें लिख लो नेगेटिव, डिक्रीज अर्निंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पॉजिटिव समझ आ गया, ये लिख लिया ना, डिक्रीज अर्निंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख लिया, कैसे, क्योंकि डिपॉजिटर कम होंगे, व्हेन द डिपॉजिटर डिक्रीज, है ना, द अर्निंग ऑफ दिस बैंक विल ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि वो डिपॉजिट नहीं करेंगे, खुद कौन पैसा भी दे और जमा भी, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर तो ठीक था, अब नहीं, ठीक है। देन इंक्रीज ऑफ फिजिकल होल्डिंग ऑफ कैश,
लोग यहाँ पर डिपॉजिट ही नहीं करवाएंगे उसके बाद, है ना, वो सीलिंग में छुपा देंगे। देन इम्पैक्ट ऑन रिटायरमेंट सेविंग। अब रिटायरमेंट, जो बंदा रिटायर है उसको ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद मुझे पेंशन आएगी, या तो डिपोजिटर की मनी क्या होगी, रिटायरमेंट सेविंग आप जमा करवाओगे, दैट पर्सन हैव टू पे, है ना, नेगेटिव इंटरेस्ट है, बैंक दे ही नहीं रही, बैंक कह रही है अगर आप 100 रुपये जमा करवा रहे हो आपको 2 रुपये हम ही पे करना है, क्लियर है।